Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोल बर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम पद्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पादेशो दर्शते श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पादेशो दर्शते श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपदेशावृत है। उनको भक्तों लोगों ने अलग अलग समय पर उनको अलग अलग उन्होंने प्रश्न किया और उन्होंने उसका उत्तर दिया है, इसलिए आज एक दो प्रश्न उत्तर हम सुन लेते हैं। किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया है, कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका विचार कैसे होता है, उनको विचार कैसे होता है? तो प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध भक्तर विचार यही जे वस्तुगुली अमार भोगर जन्य न है किंतु जावतीय वस्तु ही भगवान सेवार जन्य। यदि जो भगवान के भक्त होते हैं हर चीज को किस रूप में दर्शन करता है, कहते इसलिए उपनिषद में बताया ईसा बास्यम सर्वम जत किंचा जगत अजगत, मतलब जगत में हम जो कुछ देखते हैं वो दुनिया को किसने बनाया, भगवान ने बनाया। अभी वो अक्षय तृतीया आएगा ना, अक्षय तीज आएगा, कहती जो अक्षय तीज है ये सृष्टि का पहला दिन, इसी दिन ही ठाकुर ने जितने पेड़ पौधा जीव जंतु वृक्ष लता पता जितने गेहूं पानी जो कुछ दुनिया में हम देख रहे हैं ठाकुर जी उसी दिन ही ये सृष्टि की प्रारंभ की, क्योंकि अक्षय तृतीया मतलब जैसे हमारी सृष्टि अक्षय रहे, जैसे सृष्टि मेरी नष्ट नहीं हो। इसलिए अब उस दिन देखना लोग क्या करते हैं, भगवान के मंदिर में कुंजे में पानी देते हैं, है कलश में पानी रखते हैं, पंखा हवा पंखा देते हैं, और जो सत्तू होता है मंदिर में देते हैं, गेहूँ देते हैं, फल देते हैं वहां पर, है बोले क्यों देते हैं, कारण है ये जब जिसने बनाया वो दुनिया को ठाकुर ने सब कुछ बनाया, इसलिए ठाकुर का ये सब दिया हुआ वस्तु है, हैं? इसलिए ठाकुर को कृपा से ये सब मिला है, इसलिए उन्होंने क्या करते उस दिन मंदिर में ये सब चीज को देते हैं, ठाकुर जी तुमने दिया है इसलिए तुम्हारी सेवा के लिए देते हैं। हमारे उस तरह पे नियम है, अगर कोई पेड़ लगाते हैं ना उसमें जब कोई पहला फल होता है उसको लेकर के ठाकुर जी का मंदिर में दे आते हैं, किस क्यों तुमने दिया है, और ठाकुर को देने पर वही देने वाले हैं ना, वही देने वाले हैं। इसलिए गैया का जब पहला दूध होता है दूध निकालते हैं वो दूध को भी लेकर के ठाकुर जी को जा करके देते हैं, हैं? इसलिए हमारी उड़ीसा में एक नवार्न होता है, वो नवार्न में खेती में जो चावल होता है, जब तुम्हारे देश में गेहूँ चावल तो हमारे देश में होता है, चावल जब होता है जब पहला ये चावल निकलता है वो चावलों को लेकर जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं,
जा करके उसमें दूध दूध और खई किशमिश काजू फल ये सब डाल करके वो उसको नवान्न कहते हैं, हैं हमारे देश में उसको जगन्नाथ को देते हैं, जगन्नाथ जी भोग लगा करके फिर उसको लाते हैं और घर में सबके सब खाते हैं उसको, क्योंकि ठाकुर ने दिया है, सब ठाकुर जी का वस्तु है। इसलिए कहते जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, कहते इनका विचार किया, बोले इनका जो विचार है सब कुछ ठाकुर ने बनाया है, ये जितने सारे वस्तु है सबके सब भगवान की सेवा के लिए, अपना सेवा के लिए कोई वस्तु भगवान हमें नहीं दिया। इसलिए सकल चेतन और अचेतन वस्तु सभी कृष्ण सेवार जन्ने, जितने चेतन और जितने अचेतन वस्तु बनाया ये सब के सब ठाकुर जी की सेवा के। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे घर में कोई चीज आती है सबसे पहले क्या करनी चाहिए, किसको नहीं खिलानी चाहिए, जैसे मिठाई का पैकेट आया, फल आया, सब्जी आया, उसको क्या करो, घर में रोसे ही बनाया, जैसे बच्चों को जल्दी जल्दी जाना, पहले क्या करो ठाकुर जी के लिए पहले उठा करके प्लेट में धर दो, हैं ठाकुर के लिए धर दो तो भगवान के लिए रख लिया, फिर उसको बाद में वो चीज को फिर जो खाओ जो कुछ करो। इसलिए कोई भी वस्तु अपना भोग में नहीं लगानी चाहिए, लगाने पर इसको पाप भोगना पड़ता है। इसलिए हर वस्तु ठाकुर जी को अर्पण करके उनको प्रसाद रूप में ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए जैसे मंदिर में हमारे जो कुछ चीज आती है, हैं जो हमारे जो गुरुदेव थे ना, ठाकुर जी की सेवा के लिए जितना हो सकता है ठाकुर जी की सेवा के लिए एकदम खुला हाथ में करते थे, लेकिन जब अपना लिए कोई वस्तु होते ना सहज में उसको सेवा में ग्रहण नहीं करते थे, गुरुदेव सहज में नहीं लेते थे, बोले नहीं ठाकुर को सेवा हो तो गुरु जी मुक्त हाथ से है, खुला हाथ से ठाकुर जी का सेवा हो, खुला हाथ में गुरुदेव दिया करते थे ठाकुर को सेवा के लिए। लेकिन अपना सेवा के लिए कोई चीज होता था वो चीज वो कहते नहीं। इसलिए हमारे मंदिर में ये लोग देखे होंगे, हमारे मंदिर में जो पैसा आता है ना, कितना पैसा आया बगैर रसीद के देखे नहीं, हर चीज में रसीद काटते हैं, हर चीज में ए हो गया, इसलिए हर चीज में वो रसीद काटते हैं, रसीद काट कर देते हैं। जब कोई पैसा खर्चा होता है हर चीज को लिखते हैं, जो हमारे गुरु जी ने बताया, अभी जो हमारे मंदिर में सागर महाराज है, जो भिक्षा में जाते थे बाहर में, वो कभी बाहर भिक्षा में बहुत धूप होता था, कहीं कहीं मिश्री कभी 5 रुपया 5 पैसा की, उसमें 5 पैसा की 10 पैसा की मिश्री खरीद कर खाते थे जब धूप में जाते थे, लेकिन वो लिखते थे मैंने मिश्री 5 पैसा में मिश्री मैंने खरीद किया। एक दिन मैंने देखा महाराज लिख रहे 5 पैसा में, मैंने कहा गुरुदेव महाराज जी अब इसको 5 पैसा की मिश्री क्यों लिखा, बोले गुरुदेव ने आदेश दिया है ये सब ठाकुर का सेवा की वस्तु है, ये कभी भी अपना सेवा में इसको व्यवहार नहीं करनी चाहिए। अगर अपना सेवा के लिए जवाब देना पड़ेगा भगवान को जवाब देना पड़ेगा, तुम अपना सेवा में इसको क्यों लगाए, हैं जैसे कोई व्यक्ति 10 रुपया हमें देता है, देखना इसे घुमा कर देता है, क्यों इसलिए घुमा कर देता है, कहता हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटा का नौकरी निकल रहा है, हमारे घर में ये परेशानी है, घर में ये दुख कष्ट, ये सब घुमा कर देते हैं। मतलब क्या ये 10 रुपया नहीं, उसका घर का सारे पाप है, ये घर का सारे पाप है। अगर उसको हम मिस यूज करें, वो पैसा को अगर गलत काम में लगाए अपना काम, एक एक करके ठाकुर के पास में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो इस सारे पाप को तुमको लेना पड़ेगा, है। इसलिए और भक्तिवेदन नारायण गोस्वामी महाराज कहा करते थे, कोई एक भक्त था उनको जो जो पैसा मिलता था वो सबको नहीं देता था, वो बोलते थे सबको नहीं देता था, मेरे को देता था, बोले क्यों, बोले जिसको सचमुच से पैसा देने से सचमुच से जो ठाकुर को सेवा में जो लगाएंगे, ये पैसा को जो अपव्यवहार नहीं करेंगे, इसलिए महाराज कहते तो मेरे को सारे पैसा देता, क्यों उसने जानते हैं ये एक एक पैसा को ठाकुर को सेवा में और गुरु वैष्णव की सेवा में ये लगाएंगे। इसलिए भिक्षा प्रदत्त कोई भी वस्तु को अगर हम व्यवहार करते हैं अपना लिए, उसको बड़े खतरा है। इसलिए हमारे एक को भूत लग गया था, वो भूत जाने से जो परेशान था, वो जाने से पहले बोल कर गया उसको, बोले अभी भी बहुत साधु अभी वृंदावन में भूत होकर घूम रहे, बोले क्यों, ठाकुर जी के पैसा को अपव्यवहार किया है,
इसलिए अभी भूत बनकर घूम रहे, इसलिए उसको बोल कर गया भूत, वो खुद कहता था, बोले जो गुरु वैष्णव सेवा में पैसा आता है एक पैसा भी कहीं इधर उधर नहीं करना, उसका लेना को देना पड़ेगा, एक एक जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जो भिक्षा प्रदत्त वस्तु हर चीज भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। कहते जो शुद्ध भक्त हैं उनको ये विचार है, हैं? इनको हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा का वस्तु, ये वस्तु का कभी भी हमें अपव्यवहार नहीं करनी चाहिए। कहते ये शुद्ध भक्तों का भावना है। इसलिए शुद्ध नाम सर्विस ऋषिकेश, ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। यहाँ कहते हृषिकेन हृषिकेशम सेवनम भक्तिरुच्यते। कहते भक्ति किसको कहते हैं, बोले हमारे एक इंद्रिया का एक नाम है ऋषि, ऋषि का मतलब होता है इंद्रिया, और कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब ये इंद्रियों का जो अधिपति, इंद्रिय का जो मालिक है। ये इंद्रियों का सार्थकता कब है, जब ये इंद्रियां हम ठाकुर जी की सेवा में लगाएंगे तभी ये इंद्रियों का तभी सार्थकता है। अगर उनकी सेवा में अगर नहीं लगेगा, जैसे अंबरीश जी महाराज क्या करते थे, बोले सबई मन कृष्ण पदारविंद, मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा कर रखता था, पचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वचन को भगवान की कीर्तन में लगाते थे, करो हरीर मंदिर मार्जना, इस हाथ को ठाकुर जी की मंदिर मार्जन में, पादव अपना चरण को तुलसी परिक्रमा धाम परिक्रमा में लगाते थे, अपना सर को किसी केश पदाभि बंदने, भगवान की चरण की वंदना में लगाते थे। इसलिए जो शुद्ध भक्त होता है वो हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, ठाकुर जी के सेवा के बगैर वो किस चीज में वो नहीं लगाता है। इसलिए तिनी आमादर सेवा ग्रहण करूं, यही आमादर प्रार्थना हो। इसलिए जो शुद्ध भक्तों का जो भावना क्या है, कहते भावना यही है, ठाकुर जी जैसे हमारी सारी सेवाओं को ठाकुर जी जैसे ग्रहण करे। जब हमारी सेवा को ठाकुर जी ग्रहण करेंगे तभी हमारे तभी इंद्रियां हमारी सार्थकता। यदि ईट गुल्ली के हमारे घर जन्य व्यवहार करे तभी असुविधा है लो, किंतु ईट गुल्ली यदि भगवान ने मंदिर काज लगाई हमारे सुविधा है। ईट मतलब ईट समझते ना, ईट यदि ये ईट, अगर ये ईट की सार्थकता कब है, इसे सार्थकता है अगर कहीं भगवान के मंदिर बन रहा है ठाकुर जी की, अगर ये ईट अगर ठाकुर जी की मंदिर की सेवा में लग गया तो क्या होगा, बस ये ईट का सार्थकता हो गया। लेकिन अगर ये ईट को कहते अपना भोग में लगाए, अपना घर के लिए जैसे घर बनाओ, लेकिन अगर भावना हो ये घर किसकी है, ठाकुर जी का घर, ये घर किसने दिया, ठाकुर ने दिया सब कुछ। इसलिए हम जो मंदिर बना रहे हैं, जो घर बना रहे हैं, उसको भावना क्या रहनी चाहिए, ऐसे नहीं पहले अपना लिए बढ़िया घर बनाएंगे, नहीं, सबसे पहले तो ठाकुर जी की जो घर आप बनाएंगे उसमें ठाकुर जी का घर कहाँ पर बनेगा। कभी कभी क्या कर देते ना, अपना लिए तो बहुत बढ़िया घर बना देते हैं, लेकिन ठाकुर जी को जो घर का जो रिजेक्ट का स्थान होता है ना, सब बेकार स्थान, वही ठाकुर जी को बैठा देते हैं, ठाकुर जी को वही बैठा देते हैं। इसलिए कोई एक भक्त, कोई भक्त बोल रहे थे मेरे को, किसी ने भक्त ने बोला हमारा मंदिर देखोगे, अब हमारा मंदिर देखोगे, मैंने सोचा बहुत सुंदर मंदिर होता होगा, हाँ बोला अपना मंदिर देखेंगे मंदिर, लेकिन वो मंदिर कहाँ बना यार, है जहाँ घर का सबसे जो घटिया स्थान है ना, जो कोई काम में नहीं आता है, उसको ठाकुर जी के मंदिर बना दिया, वहीं पर ठाकुर जी को पटक कर रख दिया, है अपना लिए तो सुंदर घर सब कुछ बनाया, लेकिन भगवान के लिए है कुछ नहीं, भगवान के लिए नहीं। घर बनाने से पहले सबसे पहले देखो जिसने हमें सब कुछ दिया है उसके लिए हम कौन सा स्थान को आपने चुना है, हैं? उनके लिए। इसलिए कहते हैं अगर हम घर बना रहे हैं, अगर भावना हो यहाँ पर इसलिए हम घर बना रहे हैं, जिस घर में साधु संत आएंगे, जिस घर में हरि कीर्तन होगा, जिस घर में भगवान की सेवा पूजा होगी, अगर इसी के लिए अगर हम घर बनाते हैं फिर तो घर सार्थकता है। इसलिए अगर ये ईट अगर ठाकुर जी के मंदिर में लगे, हैं, कहते हो तभी ये ईट की सार्थकता, अगर अपना भोग के लिए लगाओ तो बस ये असुविधा है, ये ठीक नहीं। अमद्र भगवान अचेत पदार्थ गुल यदि भगवान सेवा ही नियोजित है,
तभी तद द्वारा उहादेर सदव्यवहार हईल। तो यहाँ कह रहे हैं जो अचेत वस्तु जिसमें कोई चेतनता नहीं, जैसे घर में जितना लगा हुआ देखो ना, ईंट पत्थर सीमेंट सबके सब दरवाजा सब अचेतन वस्तु, लेकिन ये जितने सब अचेतन वस्तु जब श्री चेतन का सेवा में भगवान की सेवा में अगर ये चीज को लगा दी गई तो तब क्या होगा, कहते इसको सचमुच से सही व्यवहार में ये आया। आर जीवर इंद्रियो तर्पण नियुक्त हिले उहार असद व्यवहार हिल। कोई भी वस्तु अगर अपना सुख के लिए अगर हम इसको व्यवहार करते हैं, क्या इसका असद व्यवहार, ये वास्तव रूप में सही व्यवहार नहीं, ये असद व्यवहार है। इसलिए प्रभुपाद अंग्रेजी में बहुत सारी बात बताए, अंग्रेजी में पढ़ नहीं सकता हूँ। कहते यह जगत जत रकम अचेतन पदार्थ आछे सकल ही हरि सेवा निजुक्त तो हेले तबे सार्थकता हेबे। एई जे कतक बुली पास देखिते छ यहार द्वारा यदि हरि कथा श्रवण रे स्थान करा जाए तबे एगुलु सद व्यवहार हेबे। प्रभुपाद कह रहे हैं, कहते हैं जैसे बंगाल में, ये बंगाल की बात है ना, इसलिए वहां पर जैसे ईट जैसे बांस देखना, वहां देखना बांस का घर देखा ना, बांस का घर बनाते हैं। कभी जो बांस है इसकी सार्थकता कब, जब भगवान के मंदिर लगे, मंदिर बनेगा, इसी मंदिर की सेवा में जब ये बांस को मंदिर की सेवा में लगाएंगे क्या होगा, तभी ये बांस का सार्थकता है। इसलिए भक्तर जन सब द्रव्य करी भक्तर सकल कार्य भगवान सुखर जन्य हरि गुरु वैष्णव सेवार जन्य। कति श्री हरि मंदिर हरि भक्तर सेवाई सेवार जन्य अमार के सब द्रव्य व्यवहार करी। तो जितने सारे द्रव्य को हम जो व्यवहार करते हैं किसके लिए है, कहते भगवान के मंदिर के लिए और भगवान की भक्त के लिए गुरु वैष्णव सेवा के लिए, अगर ये चीज को व्यवहार करते हैं तब ये चीज का सार्थकता है, हैं? इसलिए कहते हैं ये ट्रूथ डेवोटी डज नॉट डू एनीथिंग फॉर दिस सेंसेस एंजॉयमेंट। कहते ये जितने सारे वस्तु है अपना इंद्रियों के सुख के लिए नहीं करने चाहिए। शुद्ध भक्त निजर जन्य व आत्मीय स्वजर जन्य कौन काज करे ना, जो भगवान की जो शुद्ध भक्त है वो अपना लिए कोई भी काम नहीं करता है, खाता भी नहीं अपना लिए, इसलिए खाते हैं ठाकुर जी के लिए खाते हैं, ये शरीर ठीक रहेगा तब ये शरीर से तो तभी गुरु वैष्णव को सेवा कर सकते हैं। पहनते हैं किसके लिए, ठाकुर जी के लिए, अच्छे कपड़े पहनेंगे तब तो ठाकुर को सेवा करेंगे। घर मंदिर मार्जन करते हैं, बोले क्यों, घर को साफ करते हैं, तो ठाकुर अगर कभी घूमेंगे धूल पड़ा रहेगा तो ठाकुर का प्यार में लग जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं घर को हम साफ सुथरा करते हैं। कहते जो शुद्ध भक्त होते हैं, कहते अपना परिजन के लिए कुछ नहीं करते, जो कुछ करते भगवान की सेवा के लिए है। कहते अगर तुम्हारी जैसे विनोद है, अगर वो कुछ करता है अपना बेटी के लिए कर रहा है, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, क्यों, कहते सबके सब भक्त है, सबके सब भगवान की भजन करते हैं इसलिए कर रहे हैं। कहते इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तब भी करो, अगर ये परिवार तुम्हारी भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो, अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं इनके लिए करना बेकार है, करना नहीं करना बराबर है। इसलिए कहते जिनके प्रिय ना राम वैदेही तेजियो कोटि वैरी समझ भी परम सने, जिनका प्रिय राम और सीता नहीं उनको करोड़ों शत्रु मान कर उनको त्याग दो, हैं करोड़ों शत्रु मान कर उनको त्याग दो। इसलिए भक्त जो कुछ करते हैं मेरे सेवा के लिए ही सब कुछ करते हैं। आप सुल्ट एजन ने सकल करे हैं, ये एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है के भगवान के लाभ करते पारे, मतलब भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है, कौन ठाकुर जी को पा सकता है। जहारा श्री रूपा फिरना श्री गुरुदेवेर अकपट अनुगत करिवेन ताहराई भगवानेर कृपा पाइवेन ताहराई कृष्ण प्रेम लाभ करते पारिवेन। यहाँ पर कहते हैं भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है, बोले भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जो लोग रूप अभिन्न गुरु जी की अनुगत में निष्कपट में जो सेवा करते हैं, हैं? जो गुरुदेव सचमुच से श्री रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं। इसलिए हमारे जितने गुरु परंपरा सबके सब प्रार्थना, क्या प्रार्थना करते हैं,
कब ऐसे दिन आए श्री रूप गोस्वामी की अनुगत्य में श्री जुगल सरकार सेवा में, जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे हाई वे कब हम हो जब से जुगल प्रीति, रूप रघुनाथ पदे रुक मोर आस प्रार्थना करे सदा नारोतम दास। श्री रूप गोस्वामी कहते कब इस दिन आएगा जब श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में श्री जुगल सरकार की सेवा करेंगे हैं। इसलिए हमारे जितने गुरु परंपरा श्री भक्तिमन ठाकुर कहते हैं, सुनिया छी साधु मोके बोले सर्व जन श्री रूप कृपाए मिले जुगल चरण। मैंने सुना है श्री रूप गोस्वामी की अनुगत्य में जुगल सरकार की सेवा मिलता है, क्यों यदि इनकी सेवा अनुगत्य के बगैर सेवा क्या नहीं मिलता है, मतलब मिलेगा लेकिन मिलने पर भी राधा कृष्ण की जो अत्यंत अत्यंत जो निभृत निकुंज सेवा की नहीं मिलेगा। मिल सकता है तुमको कृष्ण सेवा मिल जाएगी हैं, लेकिन राधा कृष्ण सेवा मिलने पर भी कहते वो पूर्ण रूप में नहीं मिलेगा, मिलेगा जैसे श्री रूप गोस्वामी की अनुगत्य में जैसे करने पर जो सेवा प्राप्त होता है। कहते राधा कृष्ण की जो निकुंज की जो सेवा अंदर की जो सेवा है कहते केवल श्री रूप गोस्वामी की कृपा से ही अंदर सेवा किसको मिल सकता, नहीं तो अंदर की सेवा इसको कुछ को नहीं मिलेगा है। और इनके अनुगत्य में सेवा करने से श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, उनको पद्यावली एक ग्रंथ में वो कहते हैं कहते इतना श्रेष्ठ आनंद प्राप्त होता है। राधा कृष्ण को सेवा दूसरे दूसरे संप्रदाय में भी करते हैं, निबार्क संप्रदाय में भी राधा कृष्ण की सेवा करते हम भी करते हैं, लेकिन उनका सेवा हमारी सेवा में क्या पार्थक्य है। कहते वो लोग सखी भाव से करते हैं, स्वतंत्र नायिका रूप में सखी भाव से, लेकिन जो मंजरिया है ना हम लोग जो मंजरी के अनुगत्य में करते हैं, हम डायरेक्ट कृष्ण अगर हमको कहीं मंजरियों को बुला इधर आओ हमारे साथ मिलो, ये मंजरिया कृष्ण को डांट देते हैं। अगर कभी राधा रानी चाहती है मंजरियों को कृष्ण को साथ में मिलाने के लिए, कहते नहीं हम कभी कृष्ण को साथ में नहीं मिलेंगे, हम तो वही कोशिश करेंगे राधा कृष्ण को कैसे मिला सके, लेकिन उनका मिलन में जो आनंद होता है वो आनंद हम चाहते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं राधा कृष्ण मिलन में जो उनको जो आनंद होता है करोड़ों गुण ज्यादा आनंद इनको प्राप्त होता है अपने आप। अगर कृष्ण राधा रानी को स्पर्श कर रहे हैं, राधा रानी को स्पर्श कर रहे हैं लेकिन इनके शरीर में श्वेत कंप अश्रु पुलक इनके शरीर में अपने आप होता है, करोड़ों गुण ज्यादा इनका आनंद प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे कहते हैं यहाँ पर श्री रूप है कहते जो लोग रूप अभिन्न श्री गुरुपाद पद्म जो रूपानुगो परंपरा को जो आश्रय किए ऐसे श्री गुरुपाद पद्म को जो अकपटे, अकपटे मतलब होता कपटता छोड़ करके हैं, कपटता छोड़ करके अनुगत्य में जैसे गुरु जी को एक बोलते हैं लेकिन अंदर में और एक कोई चीज सोच रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं गुरु जी को सामने एक बात लेकिन अंदर में और कोई चीज छुपा हुआ है, इसलिए कहते गुरु जी को पास में इसलिए कहीं कभी कपटता नहीं करनी चाहिए। एक समय हमारे नारायण गोस्वामी महाराज कहा करते थे, बोले मैंने जब घर बार सब छोड़ छाड़ कर आया, सारे छोड़ करके अपनों का पत्नी थे दो दो बच्चे थे गुरुदेव कह रहे थे, मैंने जब छोड़ करके आया भजन के लिए जब भक्ति के लिए आया एक समय मेरी मन माया के प्रति जब गया मैंने सीधा गुरु जी को पास में जा करके बोल दिया, बोले गुरुदेव मैंने बीवी छोड़ करके आए बच्चे छोड़ करके आए ये सब चीज़ को हमने छोड़ करके आए भजन करने के लिए, लेकिन फिर मेरे मन उधर क्यों जा रहा है, फिर क्यों जा रहा है। जब ये बात को बोले बोले जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए मैं भी गुरु जी को ये बात मैंने बोल दिया, गुरुदेव खुद बोल रहे थे मैंने बोल दिया, जब बोल दिया ना तब उन्होंने कह रहे हमारे गुरु जी इतने खुश हुए इतने प्रसन्न मेरे ऊपर हुए मेरे सर पर हाथ रखे, बोले बेटा ये बात कोई किसको बोलता नहीं, कोई गुरु जी को ये बात नहीं कहता है, हमने बीवी वजह छोड़ कर के आए हम उधर माया में क्यों मन जा रहे, ये बात को और गहरा बात जो बताए तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, इसलिए बोले ये बात कोई किसको बोलते नहीं, लेकिन तुम दिल खोल कर गुरु जी को बोल दिया मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ ये माया अब कभी तुम्हें
आक्रमण नहीं करेगा। इसलिए गुरु जी के पास में अगर कहीं गलत रास्ता पर हमारे मन जा रहा है, कहीं गलत रास्ता फंस रहा है, गुरुदेव कहते थे गुरु जी को बोल देनी चाहिए। गुरुदेव कहते जैसे फोड़ा हो गया ना, अगर डॉक्टर को से डॉक्टर के पास में जाओ, तुम्हारी ऐसी जगह पर फोड़ा हो गया जो नहीं बोलनी चाहिए, अगर डॉक्टर के पास नहीं बोलोगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे फोड़ा होते 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 पूरा मांस को फाड़ देगा, पूरा शरीर में वो क्या होगा, पूरे शरीर में वो फोड़ा फैल जाएगा। हैं गुरुदेव कहते थे इसलिए अगर ये फोड़ा हो रहा है मतलब हमारे कहीं गलत रास्ता पर कहीं नजर जा रहा है गलत, किसी जी को उस समय गुरु जी को बोल देनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा होगा, गुरु जी कहते थे फिर शरीर काटना पड़ जाएगा, शरीर को काटना पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर कहीं गलत रास्ता पर हम जा रहे हैं गलत रास्ता पर क्या करनी चाहिए, गुरु जी को ये बात को बोल देनी चाहिए। इसलिए गुरु जी के पास में कोई चीज को छुपाना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद यहाँ पर कहते जो निष्कपट रूप में अकपट रूप में गुरु जी के जो अनुगत करते हुए ताहराई भगवान कृपा पाइवे ताहराई कृष्ण प्रेम लाभ करीबे, तो वही लोग ही भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का कृष्ण प्रेम को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं, गुरु जी को जो निष्कपट रूप में अकपट में जो अनुगत करते हैं। उनका तीसरा प्रश्न है ये जगत की प्रकृति साधुरा कहते कहार सेवा कर्तव्य, कहते किसकी सेवा करनी चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए। कहते गुरु ओ भगवान अध्यक्ष जो वस्तु एर संगे जहारा अचेन तीनी गुरु के ईश्वर रूपे देवता रूपे देखे, यहाँ पर कह रहे हैं कहते सेवा किसकी करनी चाहिए, गुरु ओ भगवान वस्तु एब्सोल्यूट ट्रूथ पर्सन एर संगे जहार एडजस्टमेंट होए छे तीनी गुरु के ईश्वर रूपे देवता रूपे देखे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं किसकी हमें सेवा करनी चाहिए, कहते जो गुरु जो भगवान और जो अध्यक्ष जो वस्तु है, जो गुरु है जो भगवान और जो अध्यक्ष जो वस्तु मतलब हमारी इंद्रियों के ऊपर जो ऊपर हैं, कहते उन लोग को सेवा करनी चाहिए। गुरु सेवक भगवान और आश्रय विग्रह, गुरु कहते गुरुदेव कौन है, कहते जो गुरुदेव है सेवक भगवान, इसलिए कहते ना गुरु जी को, इसलिए गुरुदेव भी भगवान, गुरुदेव भी भगवान। इसलिए देखो नारद जी को, इसलिए हम लोगों को कोई कोई कहते ना कुछ कुछ संप्रदाय है, कुछ सहज या संप्रदाय वो हम लोगों को क्या, हम कहते ना प्रभु जी, हम आदर करते ना प्रभु जी हैं, सबको हम प्रभु जी बोलते हैं। कहते भैया कोई लोग हम लोगों को टोटी करते हैं, कोई बाबा जी संप्रदाय में प्रभु जी तो भगवान है, प्रभु जी तो भगवान है, तुम लोग अपने आप को प्रभु क्यों कहते हो, हाँ प्रभु कौन है, भगवान तो प्रभु है ना, लेकिन तुम क्यों अपने आप को प्रभु तुम क्यों कहते हो, हैं तो कहते देखो जो प्रभु शब्द है ये सम्मान सूचक शब्द है, हम किसको सम्मान दे रहे हैं। अब देखना जैसे नारद जी को भी भगवान शब्द प्रयोग किया है, जैसे भगवान की 26 अवतार आया ना, देखना 26 अवतार में जो पहला अवतार कौन है, चतुसन, चतुसन थोड़ी भगवान है, हैं उसको बाद में नारद, इनको भी अवतार बताया है, इनको भी अवतार बताया, इसमें ऋषभदेव भी अवतार बताए, इसलिए इनको भी अवतार, भक्तों को भी अवतार, इसलिए व्यासदेव ये सत्यावेश अवतार, व्यासदेव थोड़ी भगवान, लेकिन भगवान को शक्ति प्रयोग किया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं गुरु भी एक तरह से गुरुदेव भी भगवान है, लेकिन ये कैसे भगवान है, बोले ये सेवक भगवान, ये एक आश्रय जाती है और एक विषय है, ये भगवान मतलब इसने भगवान जो जिसको आप कृष्ण कहते ये नहीं, इसलिए कहीं कहीं बताया गया जो भक्तों को भगवान क्यों शब्द बताया गया वाले कारण है, कहते ये भगवान की अत्यंत अत्यंत ये प्रिय है जो, हाँ इसलिए कहते कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण को भी गुरु बताया गया,
इसलिए गुरुदेव को भी कहीं कहीं भगवान बताया, जिसमें साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री, जिनको हर शास्त्र उनको साक्षात रूप में हरि कहता है, गुरु जी को हरि कहते हैं। बोले क्या गुरुदेव हरि हो गए? बोले नहीं। बोले किंतु प्रभुर प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, इसलिए गुरुदेव को हरि कहते हैं चूंकि ये भगवान की अत्यंत अत्यंत प्रिय है। प्रिय होने का नाते अभिन्न, जैसे हरिहर एकात्मा कहते ना हरिहर एकात्मा, तब फिर शंकर जी क्या भगवान बन गए? नहीं, वो अत्यंत प्रिय है तो उनको अभिन्न मानी जाती है। इसलिए कहते जो गुरु है कहते ये सबक भगवान और ये आश्रय भगवान, ये विषय नहीं ये आश्रय भगवान की, जो आश्रय में रहते हैं ऐ जन्ने गुरु भगवान और भक्त जुगपत। इसलिए गुरुदेव भगवान और जो भक्त हैं उनको एक लाइन में, उनको एक लाइन में दिया है गुरु भगवान हरि आओ भगवत प्रियतम। कहते गुरु भी भगवान हैं लेकिन होने पर भी ये अत्यंत अत्यंत भगवान का ये प्रिय है। गुरु पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, कहते गुरुदेव कौन है? बोले पूर्ण शक्ति। लेकिन कृष्ण कौन है? कहते ये कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाय शास्त्र प्रमाण। इसलिए गुरु भगवान में कहीं कहीं अभेद बताया, ये दोनों एक ही बताया। जिन्हें 24 घंटा भगवान रे सेवा करे सही भगवत गुरु रही सेवा करात करते। अभी यहाँ पर कह रहे हैं क्या सब गुरु को हम भगवान का स्वरूप माने? हम कहते ना गुरु ही भगवान है, कहते क्या सब गुरु को ही भगवान का भगवान की भगवान के रूप में? बोले नहीं, सब गुरु ऐसे नहीं हो सकते। फिर प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में वहां पर बताए, कहते जैसे श्री गुरुदेव को दो रूप मानी गई है, एक रूप तो गुरुदेव को मानी गया ये बलदेव प्रभु से अभिन्न, और दूसरे रूप मानी गई राधा रानी की ये शक्ति, राधा रानी की ये प्रिय दासी सेविका है। इसलिए गुरु जी की दो रूप मानी गई। बोले क्या सब गुरु ऐसे? बोले नहीं। बोले इनके आदर्श को जो अपना जीवन में उतारते, जैसे राधा रानी करती है क्या दिन रात कृष्ण ही सेवा करती है, रसोई उनके लिए बनाती है, कुंज उनके लिए सजाती है, कृष्ण आएंगे उनके लिए सुंदर कुंज बनाती है, जो कुछ राधा रानी करती केवल कृष्ण सेवा के लिए। और बलदेव प्रभु क्या करते हैं? कहते हैं 5 रस और 10 शरीर से वो कृष्ण सेवा करते हैं, 5 रस और 10 शरीर से वो कृष्ण सेवा करते हैं दिन रात, कृष्ण सेवा के बगैर उनका जीवन में कुछ नहीं। इसलिए जो गुरुदेव हर समय जिनकी हर क्रिया है क्या हम ठाकुर को कैसे खुश करें? ऐसे नहीं, शास्त्र बताना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मय श्री बताया। इसलिए कुछ लोग इसको मिस यूज कर रहे हैं, जैसे जय गुरुदेव आप उनको मंदिर में जाओ भगवान भगवान कुछ बस गुरुदेव की बैठा दिया आसन पर है, भगवान को हटा दिया वहां से, भगवान को वहां से हटा दिया, हटा करके स्वयं भगवान बन। बोले नहीं ऐसे नहीं, ये अपराध ही है, अपराध ये पाप है। इसलिए यहाँ पर जो गुरु जी को बताया गया भगवत अभिन्न, इसलिए बताया गया ये अत्यंत प्रिय है तो बताया गया। ऐसे नहीं गुरु जी भगवान का आसन को ही तुम दखल कर लिया है, तुम जैसे हनुमान जी से बड़ा कोई गुरु हो सकता है हनुमान जी से? लेकिन जब राम दरबार लगा हुआ हनुमान कहाँ बैठता है? ठाकुर के चरण में बैठे रहते हैं, ठाकुर जी की चरण। कहते मैं सेवक रघुपति पति मरे, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरे पति, ठाकुर जी मेरे प्रभु है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते वास्तव रूप में वही गुरुदेव है कौन, जो हर समय 24 घंटा में 24 घंटा हर समय जो भगवान का नाम कीर्तन सेवा की भक्ति में जो लगे रहते हैं। गुरु सेवा संगे संगे गुरु निष्ठ वैष्णव सेवा कराओ आवश्यक और मंगल कर। इसलिए अगर कोई बोले गुरु जी की सेवा करेंगे और किसी वैष्णव को मानेंगे नहीं, और कोई नहीं हमारे केवल गुरु और कोई जगत में कुछ है नहीं, ये भी नहीं, सब वैष्णव लोगों को भी आदर देनी चाहिए, सबको जथा योग्य सबको आदर देनी, गुरु वैष्णव सबको हमें आदर देनी चाहिए। हाँ वो सब यही कहते हैं, हाँ यही भगवान है, इसलिए उनको बाद में कोई है नहीं अभी। इसलिए गुरु से कहते तबे भगवत भक्तो बोले भूव लोग सेवा कर ले कौन लाभ हवे ना। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर भगवान की भक्त मान करके अगर गलत लोगों का सेवा करोगे फिर तो कोई कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए
देखना पड़ेगा सचमुच से ये भगवत भक्ति करते कि नहीं, भगवान के भजन करते कि नहीं। ऐसे नहीं भगवान का आसन को दखल कर दिया, जैसे कहते श्री जैन गुरुदेव है, यहाँ पर कोई भगवान भगवान कुछ है ही। इसलिए कहते हैं, कहते नहीं, सचमुच से जो गुरु वैष्णव भगवान की सेवा करते हैं ऐसे व्यक्ति की संगह में करनी चाहिए, हैं ऐसे गलत लोग नहीं। कलि रो प्राबल्य आजकल भक्त व वैष्णव नाम अनेक भक्त पाषण देखा जाते, कहते ये कलिजुग है ना, ये कलिजुग होने के नाते आप देखोगे ये कलिजुग का प्रभाव से यही इसी लोगों का देखो जगत में नाम है। जो बड़े बड़े जो लोग अभी सब कोई कोई जेल में सब बैठ गए, सबके सब जाकर हैं सब जेल में बैठ गए हैं। इसलिए इसलिए वो सब जेल में फिर क्यों जाते हैं, जो सचमुच से भगवान की भक्ति भजन करेगा हैं, भगवान को प्रेम करे, भगवान तो उनको उद्धार करते हैं, फिर लास्ट में फिर जेल में क्यों चले जाते, क्योंकि ये भगवत सेवा की वस्तु को स्वयं ये मिसयूज करते हैं, उसको गलत रास्ता पर लगाते हैं। इसलिए एक दिन जाकर के जेल में बैठ जाते हैं, जिन्हें क्योंकि भगवान भक्ति भजन से कोई मतलब नहीं। हमारे उड़ीसा में एक था, वो ऐसे था जिसको लोग लकेट में गले में लकेट रूप में पहनते थे, घर घर में जिनकी पूजा होती थी। वो कभी जगन्नाथपुरी में आ गया ना, जैसे रथ यात्रा में लोग होते ना, उसको देखने के लिए लोग आ गए, बोले भगवान ये कलयुग में भगवान है। ऐसे हाथ करता था, हाथ से उसकी शहद और तुलसी पत्ता निकलता था और गैया की बना दिया लगा करके ना, लोगों को भ्रमित करके, बोली वो दूध निकालता है, हैं दूध, बड़े उल्टा पुल्टा काम करता था और अपने आप को भगवान मानता था। अभी जेल जेल भोग कर रहा, जेल में बैठी गई। और भी एक बाबा था, वो गले में तुलसी की पूरा जो मोटा तुलसी की जो माला है ना, जो ये पत्ते का माला यहाँ से लेकर चरण तक पहनता था, हैं अपने आप भगवान कहता था। अभी सबके सब जेल में बंद हो गए सबके सब। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये कलिजुग होने का नाते बहुत उल्टा पुल्टा है, साधु का नाम पर बहुत उल्टा पुल्टा काम होगा। बोले उन संतों से हमें दूर रहनी चाहिए। ऐ जन ही बलची गुरु वैष्णव सेवाई करते है वे, शुद्ध भक्त सेवा कर ले मंगल। इसलिए क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्तों की जब हम सेवा करेंगे तभी हमारा कल्याण है। उल्टा पुल्टा लोगों को सेवा करने से हमारा कोई कल्याण नहीं, कि तो भविष्य यदि क्या हो अभक्त हो जाए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जब हम भगवान की भक्ति सेवा करें हैं, बोले विश्रम बना अर्थ दृढ़ विश्वास न प्रत्या दृढ़ विश्वास प्रति सहित तो गुरु वैष्णव सेवा कर ले मंगल है वे, कृष्ण प्रसन्न है वे, गुरु के मनुष्य बुद्धि करते नाई गुण गुरु निर्दोष सूत्र अवतार दोष देखले देखते नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं गुरु वैष्णव का प्रति दृढ़ विश्वास हो करके गुरु वैष्णव सेवा करनी चाहिए हैं। इसलिए कहते गुरु जी का प्रति साधारण मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए, कहते सुतराम तादर दोष देखते ना। इसलिए कहते गुरु सचमुच से जो भगवान की भजन करते हैं उनको दोष नहीं देखनी चाहिए। इसलिए शुद्ध रूप में भजन करो, समय सुजोग चिरकाल थाके ना, यही जन ही आयु थकते थकते साधु संगे हरि भजन सुजोग सुविधा ग्रहण करा कर्तव्य। इसलिए यहाँ पर कह रहे एक अच्छी बात कह रहे, देखो भगवान हमें ये जो मानव शरीर दिया है, ये जो शरीर दिया है, प्रभुपाद कह रहे हैं कहते ये जो समय सुजोग चिरकाल थके ना, मतलब जैसे हमें मानव शरीर दे दिया और इसी जीवन में हरि का नाम कर सकते हैं, भगवान की भजन कर सकते हैं, उसका कीर्तन कर सकते हैं। लेकिन जब मानव शरीर छूट जाएगा, कोई पेड़ पौधा जानवर जीवन मिलेगा, क्या चाहने पर भगवान की भजन कर सकते हैं, चाहने पर भी भजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं मानव शरीर के सिवाय सारे दरवाजा बंद है, सारे दरवाजा तुम्हारी बंद हैं, किसी जीवन में भगवान की भक्ति भजन नहीं होगा। इसलिए किसी जीवन में हम संसार से पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहते यही जन्य समय थकते थकते साधु संगे हरि भजन रे सुविधा ग्रहण करा कर्तव्य। इसलिए कहते समय रहते रहते क्या करो, भक्तों का संग करते हुए भगवान की भजन करते हुए ये संसार से पार हो जाओ, इस संसार से पार हो करके चले जाओ। इसलिए प्रभुपाद कहते समय को नष्ट मत किया करो, समय को बैठ करके इधर उधर बात करना,
बिना काम की बात में रम जाना, इस सब चीज को खत्म करते हुए क्या करो, हर समय हरि का नाम लेते रहो। हरि का नाम लो, इधर उधर बैठ करके फजूल का बेकार का बात नहीं करनी चाहिए। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद की जय।